चार दिशाओं की। रोको मत राहें, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंग नील हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथी, यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी, पत्रकार बंधुओं, आज 15 अगस्त है। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज के आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के सभी देशवासियों को भी आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यहां पूरा देश आज 15 अगस्त मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं आज का दिन हमें ये भी मौका देता है कि तमाम जिन लोगों की कुर्बानी की वजह से आज हम 15 अगस्त मना रहे उनको याद करें। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम नहीं भुला सकते, लगातार उनके आंदोलन और लगातार लोगों के बीच में रह कर के उन्हें पूरे देश को जगाने का काम किया। वहीं न जाने कितने लोग शहीद हो गए, अपनी कुर्बानी दे दी जान की, न जाने कितने लोगों को जेल में रह करके आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। उन तमाम लोगों को आज हम 15 अगस्त के दिन याद करते हैं जिसकी वजह से हमें और आपको आज़ादी मिली है। जहां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जिन सपनों को लेकर के आज़ादी मिली है उन सपनों को हम पूरा कैसे करें। स्वतंत्रता सेनानियों ने और आज़ादी के समय जो संकल्प लिए गए थे वो संकल्प कितने पूरे हुए हैं। लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, जो सदियों से लोग इस देश को गुलाम बनाए थे उन्हें आखिरकार भाग नहीं पड़ा था। वहीं आज का दिन हमें ये भी मौका देता है कि हम दुनिया में जहां खड़े हैं हम उन देशों से तुलना करें। आखिरकार 40, 45 साल, 70 सालों में लोग कितना आगे चले गए, दुनिया के दूसरे देश कहां पहुंच गए, हम उन देशों के मुकाबले पर कहां खड़े हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आज लाल किले पर खड़े होकर के
प्रधानमंत्री जी ने दोबारा संकल्प लिया है कि वो सामाजिक न्याय को दिलाने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर लाल किले से बात कही गई हो सामाजिक न्याय की, तो शायद पूरे देश के लोग इस बात का भरोसा करेंगे कि उन्हें भी सामाजिक न्याय मिल जाएगा। लेकिन केवल कह देने से शायद सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो हमारे लोगों की गिनती नहीं हो पाई है, हम आखिरकार कितने लोग हैं बीच में, कितने लोग रह रहे हैं। जब तक हम गिने न जाएं, आबादी का पता ना हो, तब तक शायद सामाजिक न्याय हम लोगों को नहीं मिल सकता है। और वही जो बात मैं कह रहा हूं कि दुनिया के दूसरे देशों से जब तुलना करें तो हम कहां खड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां खड़े हैं, हम अपने गरीबों को इलाज कितना दिला पाए हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहां खड़े हैं, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में हम कहां हैं। जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ग्राम सभा तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाए, वहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोग कितना उन चीजों को समझते हैं। जहां दुनिया टेक्नोलॉजी में, साइंस में न जाने कहां पहुंच गई। ऐसा नहीं कि हमारे यहां उदाहरण नहीं है, उदाहरण हैं, लेकिन जिस तरीके से सबको लाभ मिल जाना चाहिए था वो शायद हमें अभी नहीं मिल पाया। दुनिया जो ताकतवर देश हैं, अमेरिका है या आसपास जो देश हमारे हैं, हम तुलना में कहां खड़े हैं। आबादी में जरूर हम ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो हमें किसानों को मिल जाना चाहिए था अभी नहीं मिल पाया है। जो खुशहाली तरक्की किसानों के बीच आ जानी चाहिए वो नहीं आ पाई है। ये कई बार कहा जाता है कि दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, लेकिन शायद आपके लोगों में बीच में कोई ये बात जानता जरूर होगा कि हमारे पासपोर्ट से चलने वाले लोग, अगर हवाई जहाज में उनका बच्चा रो जाएगा तो हवाई जहाज से उतारा जाता है, ये हमारा कितना सम्मान बढ़ाई आप सोचना होगा इस बात का। हवाई जहाज में अगर बच्चा रोने लगे भारत का, से उसे उतार दिया जाता है, तो सोचो हमारा सम्मान कितना बड़ा है। ऑप्टिकल फाइबर का लाभ नहीं मिला है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का झूठ बोलने में लाभ जरूर मिला है। किसान कैसे खुशहाल हो उसके लिए हमें सोचना होगा। पैदावार के बारे में कहा गया एमएसपी देश में लागू है, लेकिन एमएसपी मिलेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा किसान नहीं खुशहाल हो सकता। जहां हमारी तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, वहीं क्या आखिरकार हमारे देश के लोगों को मिल रहा है। और जब हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो शायद हमारा देश वहां जहां खड़ा है वहां से बहुत आगे जा सकता था, लेकिन गलत नीतियों के कारण शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं। अब तो आबादी में भी बहुत बड़ा देश हो गया है, और इतना युवा किसी देश में नहीं है जितना युवा आबादी का हमारे देश में है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं अगर सामाजिक न्याय का सपना देखा जाए तो हम कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं भूल सकते हैं, जो उन्होंने सपना दिखाया, और उसी सपने के साथ जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चल दिए, उस सपने को हम नहीं भूल सकते हैं। वहीं आज हम संकल्प लें कि जहां देश आगे बढ़े वहीं हमारा भरोसा भी बढ़े। एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं बढ़ेगा अगर, तो हमारा देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। हम जब तक अपने देश के लोगों को शिक्षित नहीं कर देंगे तब तक शायद हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर सकता। हम अंतरिक्ष में चले जाएं, एक दो लोग हमारे अंतरिक्ष घूम आए, शायद उससे देश हमारा खुशहाल नहीं होगा। और अगर यही बात हो तो दुनिया में जब हमारे देश को यह कहा जाता है कि आध्यात्म में सबसे आगे कोई देश है तो हमारा देश है। हमें गर्व होता है अपनी संस्कृति पर, हमें गर्व होता है अपने तमाम पुराने
लोगों पर। वहीं जब ये कहा जाए कि वासुदेव जो हमारी धरती एक परिवार है, वहीं हमारे लोग जाएं और दूसरे देश में कहें जाकर के कि हमारे आपके जीन्स एक हैं, लेकिन वहीं हम यहां पर अपनी धरती पर भेदभाव करें तो शायद हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। और फिर आज हमारे यहां कोई बात शुरू हुई हो, अगर वही बात अमेरिका में शुरू हो जाएगी तो सोचो हमारे भारत के कितने लोग यहां पर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कब अमेरिका भी तय कर ले। कोई नहीं सोचता था कि चीजें बदली जाती हैं, कभी कभी बदल जाती हैं। वहां पर भी फैसला हुआ, कुछ लोग बाहर चले गए, लेकिन सोचो अगर वहां भी कोई ऐसा फैसला हो गया तो हमारे भारत के लोग कितने वापस आएंगे। तो इसलिए या तो ये मत कहिए कि धरती एक परिवार है, हमारे आपके जीन्स एक मिलते हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उन बातों को भी सोचना पड़ेगा। जहां हम आजादी की खुशी मना रहे हैं 15 अगस्त की, वहीं हम संकल्प भी लें कि हमारा किसान और गरीब कैसे खुशहाल हो, हमारे देश के अंदर जाति धर्म कैसे खत्म हो, हमारे बीच में कैसे भाईचारा बढ़े। और मैं समझता हूं जो समाजवादियों ने रास्ता दिखाया है वही असली रास्ता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया, जो रास्ता डॉक्टर रामलाल लोहिया जी ने दिखाया, शायद उसी रास्ते पे चल करके हम न केवल लोगों के बीच खुशहाली ला सकते हैं बल्कि देश तरक्की के रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जहाँ हम समाजवादियों को दे रहे हैं वहीं पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं, और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि हमारा देश भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ बराबर खड़ा दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को श्रवण कुमार कनौजिया 5 वृक्ष भेंट करेंगे, जिसमें रुद्राक्ष है, चंदन है, कपूर है। तो मैं श्रवण कनौजिया से निवेदन करता हूं कि वो 5 वृक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। इस बीच जो सपेरा समाज के कलाकार आए हुए हैं उनसे कहूंगा कि वो मंच के पास यहाँ नीचे इधर आ जाएं। सपेरा समाज के जो कलाकार यहाँ पर हैं, ये बच्ची
श्रवण कनौजिया जी की 5.5 वर्ष की है, इसने पर्यावरण के संबंध में अपना श्लोक प्रस्तुत किया है। और अगर कुमारी आशिता सिंह यहाँ पर हैं तो वो भी आ जाएं, उन्हें भी गाना है। ये इसको भी ये दो। Student of class KGB going to sing a song.